हेलो नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में हम 1990 की बात करेंगे जो कि एक टूनिस फिल्म के बारे में है। ये कहानी नूरा नाम के एक 12 साल लड़के की है जो कि टूनिस शहर के एक इलाके में रहता है और एक लड़के से मर्द होने के सफर में वो उसे भरपूर तरह से जीता है, जो इसकी उम्र के बच्चों को मजेदार भी लगता है और डरावना भी। नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आई होप कि हमारी पिछली सारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। नूरा एक 12 साल का लड़का है जो अपनी उम्र से बहुत छोटा लगता है और अपनी माँ के साथ वो औरतों के हमाम यानी कि पब्लिक बाथ में जाया करता है, क्योंकि अब नूरा बच्चा नहीं रहा, उसकी सोच भी बदलने लगी है। वो जिन लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता है वो उम्र में उससे काफी बड़े हैं और सड़क पर चलती हुई लड़कियों को छेड़ते हैं। इसीलिए नूरा के वालिद को नूरा के उनके साथ उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन नूरा चूंकि क्या करे, वो उन्हीं के साथ पूरा दिन घूमता है। जब भी उस गांव का शेख मुख्तार नूरा को उन फ्रेंड्स के साथ देखता है तो वो उसके पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्तों के साथ टेरिस पे चला जाता है। वो वहां से छुपकर काम करती हुई छत पर लड़कियों को देखता है और उनकी बातें भी सुनता है। एक दिन यही करते हुए वो अपने दोस्तों के साथ शराब की बोतलें इकट्ठे करने लगता है। तब उसके सामने एक शराबी आ जाता है। किसी तरह वो तीनों दोस्त सारी बॉटल्स इकट्ठी करके उसे शराब वाली दुकान पर आते हैं और उसे सेल कर देते हैं। इस तरह से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन नूरा के दोस्त उसे कोई भी पैसे नहीं देते। उस दुकान के मालिक अली ने नूरा से एक डिलीवरी करने के लिए बोला और शराब लेकर नूरा सली नाम के एक आदमी के घर जाने लगा। गांव के हर आदमी को पता था कि नूरा सली के लिए काम करता है और किसी के लिए काम नहीं करेगा। सली आदमी एक मोची है और उसे म्यूजिक और कहानियां पसंद है, और जैसे ही नूरा उसके घर आता है तो सली ने उसे बताया कि वो एक नाटक दिख रहा है जिसका नाम लॉफ्टर इन द डार्क है। सली के नाटक के बारे में सली की पड़ी हुई दुकानों में चीजों को देखकर नूरा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उन चीजों को पहनने लगता है। चीजें देखने के बाद नूरा उससे बातें करता है और कुछ देर बाद वहां पे एक औरत आ जाती है जो सली के लिए नाटक में एक एक्टिंग करने वाली है, और तब नूरा को बाहर रुकने के लिए कहता है और सली उस औरत के साथ अंदर चला जाता है। और नादान नूरा ये नहीं जानता था कि सली कोई नाटक नहीं लिख रहा और वो औरत कोई एक्टर नहीं थी। उस रात मुख्तार और नूरा के वालिद उसे इस बात पर सजा देते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ता है, लेकिन किसी तरह उस नूरा की माँ उसे बचाकर वहां से अपने साथ ले जाती है। नूरा की माँ नूरा को समझाती है, वो उसे एक आदमखोर की कहानियां सुनाने लगती है। उसने कहा कि एक आदमखोर लड़कियों का खून पीता था। नूरा अपनी माँ की बताई हुई कहानियों में डूब जाता है। अगले ही दिन से नूरा को वो नाई की दुकान में सर्वेंट लगा देता है और ताकि नूरा उन लड़कों के साथ उठना बैठना छोड़ दे। और काम करने के दौरान यकायक एक शोर बरपा होता है। वो टूनिशिया की सरकार के खिलाफ लोगों का शोर सुनता है और हैरानगी से देखता है। उन लोगों की आवाज दबाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था और कोलंबो नाम का एक पुलिस वाला दुकान में आता है और यूसुफ नाम के आदमी को ढूंढ रहा होता है। ये सारी बातें नूरा अपने दोस्त मुनीर को और अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ ये सोचकर परेशान हो जाती है कि वतन में अब दोबारा से हल्ला बोल दिया है और हालात खराब हो जाएंगे और इस देश के प्रेसिडेंट की तानाशाही शुरू हो जाएगी। एक दिन सली की दुकान पर मुख्तार ने नूरा को देखा और क्योंकि सली शराब के नशे में रहता है उसे नूरा का वहां बैठना अच्छा नहीं लगा, लेकिन सली चाहे जितना भी शराबी हो वो नूरा को कभी भी शराब पीने की इजाजत नहीं देता। नाजरीन, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नूरा के वालिद उसे एक नाई की दुकान में नौकरी दिलवा देते हैं ताकि उसका दिमाग इन चीजों से हट जाए। यकायक शोर होता है और टूनिस की हुकूमत के खिलाफ लोगों का शोर बरपा होता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके उनकी आवाज दबाकर वहां से ले जा रही होती है। नूरा ये बातें अपने दोस्त मुनीर को बताता है और अपनी माँ से जिक्र करता है। माँ उसकी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि शहर में दंगे और फसादी फिर शुरू हो गई है। एक दिन सली की दुकान पे मुख्तार ने नूरा को देखा। चूंकि सली एक शराबी है तो वो नूरा को यहाँ बैठने पे बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। सली जितना भी शराबी हो लेकिन उसने कभी भी नूरा को शराब पीने की इजाजत नहीं दी। कुछ देर बाद एक आदमी मोनसेफ को पीटता हुआ सली के पास ले आता है। वो उसे बताता है कि मोनसेफ ने उसकी इलाके की लड़कियों के साथ बातें की है। वो आदमी सली के साथ भी बदतमीजी करता है, लेकिन सली के साथ दूसरे गाँव वाले मौजूद होते हैं और साथ ही उसकी तरफ अली भी था, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। इन सबके बीच वहाँ पे लतीफा नाम की एक औरत आ जाती है, जिसे देखकर सली के साथ साथ हर मर्द का ध्यान उसकी तरफ जाता है और झगड़े से हट जाता है। लतीफा नूरा की माँ जमीला की रिश्तेदार है और जमीला के लिए वो बहुत सारी चीजें लेके आती है, लेकिन लतीफा और उसके लाई हुई दोनों चीजें नूरा की माँ के शौहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक तरफ जहाँ नूरा लतीफा के आस पास घूम रहा होता है तो दूसरी तरफ अजूज का कहना था कि लतीफा जैसी तलाक शाफ्ता औरत का इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक
ठीक नहीं है। इसी तरह जमीला उसे समझाती है कि लतीफा उसके काम में हाथ बटा सकती है। जमीला चूंकि नूरा की माँ है और वो नूरा के बाप से की सारी बातें डिस्कस कर रही होती है और अजूज ने जमीला की बातें मान ली होती है। अजूज खुद जितना नेक और अच्छा आदमी बनता है उतना अच्छा वो है नहीं और ये बात नूरा जल्द समझ जाता है और अजूज को एक लड़की के साथ देखने के अलावा उसे उसकी दुकान में कुछ ऐसी मैगजीन्स मिलती हैं जो वो अपने साथ ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसको देखता है। उस दिन मुनसेफ ने नूरा से कहा कि वो हमाम में औरतों को देखने जाए और उनके बारे में आके उसे बताए। नूरा को पहले तो हमाम में जाना पसंद नहीं था लेकिन अब वो वहाँ जाने की जिद करता है और हमाम की मालकिन के इनकार करने के बावजूद किसी तरह भी जमीला उसे अंदर ले जाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ मौजूद औरतों को देख कर नूरा उनके बारे में अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। एक दिन नूरा ने देखा कि अजूज की बहन अजीब बर्ताव करती है। वो ऐसे चिल्लाती है कि जैसे उसके अंदर कोई रूह गुजरती है। वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर रही थी। उसे ठीक करने के लिए मुख्तार आ जाता है। कुछ दिनों बाद मुख्तार फिर उनके घर आ जाता है और उस बार वो अपने एक लड़की को लेके आता है जिसका नाम लैला होता है और वो चाहता था कि नूरा का परिवार उसे गोद ले ले और उसे काम पर रख ले। उसका कहना था कि शायद किसी बुरी आत्मा की वजह से लैला के परिवार की मौत हुई है, इसलिए जमीला को उस आत्मा को भगाने के लिए लैला को अपने घर में रखना होगा और काम सिखाना होगा। एक तरफ जहाँ नूरा जमीला को काम सिखाती है और काम करवाती है तो दूसरी तरफ वो गांव के लोगों को गिरफ्तार होते हुए भी देख रहा होता है और फिर उसका ध्यान गांव वालों से हटके गांव की गिसाई पे गया जो उसे लतीफा के बारे में पूछता है और तब नूरा को अपनी माँ की बताई हुई कहानी याद आ जाती है जहाँ वो कसाई को आदमखोर समझने लगता है और लतीफा को कुंवारी लड़की की जगह देख रहा होता है। तोहफा लेके वो घर आ जाता है लेकिन वो कचरे में फेंक देता है क्योंकि अभी उससे लतीफा की फिक्र हो जाती है। नूरा के घर में उसके छोटे भाई की खतनों की तैयारी शुरू होती है और इस बीच वो लतीफा से उसकी च्युइंगम मांग लेता है और उसे लेकर वो छत पर चला जाता है और सली के घर जाता है। वो च्युइंगम लाने का काम सली ने उसे दिया होता है और लतीफा के कपड़े लाने का काम मुनीर ने दिया होता है। उसके अलावा अजूज भी लतीफा के करीब आने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें नूरा देख रहा होता है और उसे अच्छा नहीं लगता। जल्द ही नूरा के घर कुछ औरतें रहने लगती हैं और इस बीच उसे लतीफा के पास जाने का मौका मिल जाता है। जब नूरा ने उसे सली की चिट्ठी दी तो लतीफा ने कहा कि वो सली के करीब बिल्कुल नहीं जाएगी। हम यहाँ पे कुछ औरतों को देखते हैं कि जो कि जश्न मना रही होती हैं और चाय पी रही होती हैं। नूरा घर में मौजूद औरतों के बीच बैठा होता है और उनकी बातें और उनकी हरकतें उसे अजीब लग रही होती हैं। ठीक उस वक्त अजूज सब्जियां ले आकर आता है और सब उस पर हंसने लगती हैं और नूरा को अपने कमरे में ले जाकर उससे समझाने लगा कि एक आदमी को औरतों के साथ नहीं बैठना चाहिए और नूरा को घर से बाहर भेजकर अजूज खुद उन औरतों की बातें सुनने लगता है। जब नूरा सली के पास जाता है और उसे कहता है और लतीफा का जवाब देता है तो निराश होकर सली ने नूरा को वहां से भगा दिया और उसे फिर से अपने घर जाना पड़ा। धीरे धीरे फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है और इस बीच नूरा आदमखोर की कहानी को लेकर परेशान होने लगता है। नूरा फिर से उन औरतों के साथ हमाम में जाने लगता है और इस बार भी वहां पे मालकिन उसको रोकती है लेकिन जमीला की वजह से उसे वो अंदर जाने देती है। पर कुछ देर बाद हमाम की एक औरत नूरा को एक घटिया हरकत करते हुए देख लेती है और उसको वहां से मार कर बाहर निकाल देती है। रोते हुए नूरा छत पर चला जाता है और जब वहां पे वो फंक्शन की तैयारी देखता है तो उसने एक अकेले कमरे में छुपने का फैसला कर लिया होता है। जमीला उसे ढूंढती रही लेकिन नूरा उसे कहीं नहीं मिला। कुछ वक्त बाद जमीला ने लैला से कहा कि वो नूरा को ढूंढकर घर वापस ले आए। बहुत देर ढूंढने के बाद लैला को नहीं मिलता और इस बीच मुनीर और मुनसेफ लैला को छेड़ने लगते हैं। सलीस के जश्न के दौरान उसे लोग कहते हैं कि वो गाना गाए और वो गाने के जरिए वो लतीफा के लिए अपने प्यार का इजहार करने लगता है। लतीफा जू के दूसरी औरतों के साथ किसी और कमरे में मौजूद होती है, गाने के ही जरिए जवाब में ना कहती है और वो गाना सुनकर अजूज को लगने लगा कि लतीफा उसके प्यार को ठुकरा रही है। कई देर बाद नूरा किसी को नहीं मिला लेकिन जैसे ही खतने पूरी होती हैं वो लैला को एक कमरे में सोया हुआ मिलता है और लैला उसे नींद से नहीं जगाती। जब नूरा की आंख खुलती है कि उसने देखा कि सारे मेहमान जा चुके हैं और वो फिर से अपनी छत पर चला जाता है। छत पर जाने के बाद उसने देखा कि लतीफा और सली के पास जाती है और सली को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है और ये सोचकर लतीफा अब कुंवारी नहीं रही नूरा वहां से राहत महसूस करते हुए घर लौट आता है। पर उस रात नूरा ने लैला को देखा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो सोई भी होती है और उसे वो सोई भी बहुत अच्छी लग रही होती है। एक तरफ लतीफा सली को शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगी रहती है तो दूसरी तरफ नूरा ये सोचने लगा था कि अब वो आदमखोर लैला को चोट पहुंचाएगा क्योंकि गांव में सिर्फ अब लैला ही कुंवारी बची है। एक दिन अली की दुकान को सील कर दिया जाता है क्योंकि उसकी दुकान में आजादी की सोच रखने वाले आया करते हैं। सली को भी धमकी दी जाती है क्योंकि वो खुद भी आजादी की चाह रखता है और तब नूरा को समझ आया कि घर में रहकर औरतें जितनी आजाद हैं उतनी ज्यादा
मर्द नहीं। नूरा इस बात से भी बहुत सैड था कि उसे हमाम में अब इजाजत नहीं मिल रही थी और वो ये सोचने लगा कि वो अब किसी भी औरत को या लड़की को देख नहीं पाएगा। उस रात घर लौटने पर वो फिर लैला के कमरे में जाता है और उसके करीब जाता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। सलीक को अब शराब नहीं मिल रही थी, अब इसीलिए वो कफ सिरप पीना शुरू कर देता है और उसी कफ सिरप में वो अपनी खुशी ढूंढने लगा। उस रात नशे में जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसके प्रेसिडेंट की तारीफ में लिखी बातें देखी और उसे बदलकर उसने लोगों की कमतर सोच को लिख दिया। सलीक को घर पहुंचाकर नूरा अपने घर आ जाता है और फिर से लैला के करीब जाते की कोशिश करता है और फिर से लैला उसे छूने नहीं देती और उसे रोक देती है। अगले दिन सलीक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखा था और जेल जाने से पहले उसने नूरा से कहा था कि वो लतीफा को उसका इंतजार करने के लिए कहे। और नूरा बच्चा नहीं रहा और अपने आसपास हो रही चीजों को समझने लगा है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि एक बच्चा मर्द कब बनता है, पर अब उसे एहसास होने लगा कि मर्द बनने का सफर उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। वो अपने फादर के साथ हमाम नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसे नहलाने का काम लैला को दे दिया गया। उस वक्त भी नूरा अपने इरादों पर लड़ा रहा, पर उसे ऐसा करते हुए जमीला ने देख लिया और उसने लैला से कहा कि उसे अगले दिन ही काम से निकाल दिया जाएगा। वो लैला के उस घर में आखिरी रात थी और उस रात नूरा को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। अगले दिन मुख्तार लैला को लेने आया और उसके काम के पैसे लेकर कहने लगा कि अब नूरा अब सच में बड़ा हो गया है। मुख्तार के मुंह से ये बात सुनकर अजूज नूरा को मारने की कोशिश करता है, पर अब नूरा बदल चुका है और साथ ही घर में दूसरे लोग भी बदल चुके थे और अजूज परेशान हो गया क्योंकि वो लोग जो उससे डरते थे अब वो अपनी आजादी से जीना चाहते हैं और उसकी बात को कोई भी नहीं सुन रहा होता। यहाँ पे इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी नई मूवीज के लिए हमारा चैनल जरूर देखिएगा। आई होप आपको सारी समरीज पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज।